Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. साली जीजा में कौन जीता, इसका आएगा तभी नतीजा जी, जब सालियों के बाद परफॉर्मेंस देंगे हमारे प्यारे जीजा जी. अरे मुझसे नहीं होगा. शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो सालियों के सामने जीजा जी, अब तो शर्माना छोड़ दो. अरे नहीं नहीं, सच में मुझसे नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि लड़के वाले हार गए और लड़कियां जीत गए. अरे अरे, ऐसे कैसे जीत गए, अभी तो जीजा जी नंबर टू बचे हैं. अरे नहीं यार, मेरा मतलब है जीजा जी की तरफ से आ रहे हैं मैदान में समीर महेश्वर. मुझे नहीं करना कोई डांस. एफआई कर लेना डांस. अरे तू नहीं करेगा, देखो ना रौनक ही नहीं है. नैना तू ही डांस कर. अरे हाँ दादी बुआ, नैना तो आज जोर से नाचेगी और वो भी हमारे जीजा जी के लिए. भाभी आ रही, भाभी तुम्हारे लिए. मैंने कभी खरीदी नहीं है, आज फर्स्ट टाइम था. और ये तुम्हारी शादी की ड्रेस से मैच भी करेगी. यार समीर, आज नैना को नैना नहीं बल्कि भाभी कहने का दिल हो रहा है यार. हाँ यार, क्या माहौल जमा है और अब उसकी आंखों में आंसू है यार. अब देखना, मैं मेरी नैना और उसके परिवार के चेहरे पे खुशी लेकर आऊंगा. आज नैना ने मुझे सबके सामने मनाया, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा. सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए. देखिए, लड़की वालों की भावना और प्यार तो आपने देख ही लिया है, और अब बारी है लड़के वालों के दिल की, यानी कि दूल्हे राजा की. वरुण जी की तरफ से उनका पक्ष रखने आ रहे हैं
यारों के यार प्यार में दिलदार समीर। બાજુ કડી અને બીજી બાજુ ફૂલ છે, દિલના હિસાબમાં બહુ મોટી ભૂલ છે। એક બાજુ કડી અને બીજી બાજુ ફૂલ છે, દિલના હિસાબમાં બહુ મોટી ભૂલ છે। આપણા તો બંને બાજુ ડબ્બા ભૂલ છે, કાચીનો પાકીનો કાચીનો કાચીનો પાકીનો પાકીનો કાચીનો કાળો કેર છે। અરે બાકી તો બાકી તો બાકી તો લીલા લેર છે, લીલા લેર છે, લીલા લેર છે। 90s કી શાદી કા વો માહોલ મેરે ઓર શાયદ કઈ લોગો કી જિંદગી કા સુનહેરા દૌર થા। હો ऐसा कोई डीजे वाला संगीत नहीं होगा जो पूजा दीदी के संगीत के धमाल को टक्कर दे सके। अक्सर सोच के हैरानी होती है कि उस दौर की हर याद हमारे दिमाग में इतनी तरोताजा कैसे है। शायद इसलिए क्योंकि हर एक इमोशन इतनी गहराई तक महसूस होते थे हमें, फिर चाहे वो मिलन के हों या जुदाई के। तब हर कोने में कैमराज नहीं थे जीवन के हर उतार चढ़ाव को तस्वीरों में बदलने के लिए। यादें फोन के मेमोरी या तस्वीरों में नहीं, दिल में कैद की जाती थी। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ। तुम्हें पता है मेरा सपना है कि चांदनी फिल्म की श्रीदेवी की तरह अपनी बहन की शादी अपने साथी के साथ जीऊं, जैसे चांदनी फिल्म में श्रीदेवी की बहन की शादी में ऋषि कपूर ने और श्रीदेवी ने मजे किए थे, बिल्कुल वैसे ही। आधा सपना तो आज संगीत में पूरा हो गया, बाकी का पूरा कल शादी में हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। अब बस कल शादी में देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बातें बताई नहीं जाती, करके दिखाई जाती है। अब बस तुम कल देखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। अब तो कल का इंतजार करना मुश्किल है। इंतजार का फल मीठा होता है, तो बस अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे सारे सपने कैसे पूरे करता हूँ। आजा आजा, हमारे साथ भी डांस कर ले। और आ नौटंकी, वापस आने की जरूरत नहीं है, बाहर रिक्शा मिल जाएगा, वहां ना मिले तो चौराहे पे मिल जाएगा, वहां भी ना मिले तो पैदल चले जाना, लेकिन वापस आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। अब बस कल शादी में देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। समीर का उस दिन मेरे घर आने के दो मकसद थे, एक तो अर्जुन भैया की सेवा करना और दूसरा मेरी नाराजगी दूर करना। पर इसके साथ साथ वो मेरे परिवार के कई रिश्तों की चादर में प्यार के पेवन लगा गया। सिर्फ नाना जी का चैलेंज नहीं बल्कि सबका दिल जीत लिया था उसने। उसने प्यार के टेस्ट को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया था। सिर्फ पापा और अर्जुन भैया के लिए वो तब भी एक अनजान मेहमान ही रहा, पर हीरो को सिर्फ घर से निकाला जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं, है ना? इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम
तुम जरूरत बन गए हो, क्या पता की मुस्कान ना बहुत अच्छी है और चाचा जी की भी, जब वो मुस्कुराते हैं ना तो एकदम हीरो लगते हैं। वो तो है। एक हीरो अपनी हीरोइन से कब तक उदास रह सकता है? जिसके पास तुम्हारे जैसी साली हो उसे माफी तो मिल ही जाएगी। वाह जीजा जी, आप तो बिल्कुल सलमान खान लग रहे हो। साली जी आप भी कम नहीं लग रहे। नैना के घर में मेरी एंट्री चावल गिराने के साथ हुई थी और उसके घर से मेरी विदाई उसके आंसू बहा के हुई। पूजा दीदी की शादी के रस्मों के बीच हमारी कहानी भी प्यार की कई रस्में निभा रही थी। हम दूर नहीं जा रहे थे बल्कि और पास आ रहे थे। और पास पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।